ये एक ऐसी कहानी है जहाँ ट्रिस्टन नाम का एक लड़का जो ब्रिटेन की काल्पनिक शहर से होता है, स्ट्रोमहोल्ड के जादुई दीवार के पास राज्य की सीमा पर एक शहर है। ट्रिस्टन जादुई दुनिया में प्रवेश करता है ताकि एक गिरते हुए सितारे को अपनी प्रिय विक्टोरिया को दे सके और उसके बदले में शादी के लिए उसका हाथ मांग सके। द फिल्म फैक्ट्री प्रेजेंटिंग स्टार डस्ट। हमारी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। 150 साल पहले रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस लंदन में एक खत आया था और उस खत में बहुत अजीब सवाल पूछा गया था। वो खत भेजा था गांव के एक लड़के ने। जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा उन्हें लगा कि लड़के ने कोई मजाक किया है, फिर भी उन्होंने खत के जवाब दिया और कहा उसका सवाल बहुत ही अजीबोगरीब है। फिर उन्होंने खत लड़के को भेज दिया जो वाल नाम के गांव में रहता था और उसे वायरलेस इसीलिए कहते थे क्योंकि उसके बगल में बहुत ही लंबी दीवार थी और ऐसा कहा जाता था कि उस दीवार में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था और उस दीवार को रखवाली करने के लिए 80 साल से एक आदमी मौजूद था। डस्टन नाम का एक लड़का दीवार के दूसरी तरफ जाने के लिए जिद करता है। वहाँ उसे एक गांव के जैसे कुछ नज़र आते हैं और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद एक लड़की के साथ उसका मुलाकात होती है। वो लड़की खुद के बारे में बोलते हुए ये कहती है कि वो एक प्रिंसेस है और उसे चुड़ैल ने गुलाम बना लिया है। प्रिंसेस के पास बेचने के लिए बहुत सारे फूल होते हैं और वो फूलों की कुछ ना कुछ खासियत होते हैं। स्नोड्रॉप नाम के एक फूल देते हुए ये बोलती है कि ये एक ऐसी फूल है जो तुम्हारा किस्मत बदल देगी और उसके बदले में तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, ये कहकर घर के अंदर ले जाती है। उस रात वो लड़का घर लौट गया इस उम्मीद में कि जल्द ही उस रात की यादें भूल जाएगा, पर 9 महीने बाद उसे मिला एक अजीब सा तोहफा। उस तोहफे को किसी ने दीवार के पास डस्टन के नाम पर छोड़ गया था और वो एक बच्चा था, उसका नाम ट्रिस्टन लिखा हुआ था। 18 साल गुजर गए और नन्हा ट्रिस्टन बड़ा हो गया था। वो अपने अजीब व गरीब अतीत के बारे में एक बेखबर था। पर ये कहानी ट्रिस्टन के बड़े होने की नहीं है, ये कहानी है कैसे ट्रिस्टन आदमी बना और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत बड़ी चुनौती के सामना करना था, जो था सच्चा प्यार हासिल करना। फिर ट्रिस्टन विक्टोरिया नाम के एक लड़की के साथ मुलाकात करने जाता है। वो उस लड़की से प्यार करता है मगर वो लड़की शायद नहीं, विक्टोरिया किसी और से प्यार करती थी। उसका नाम हम्फ्री था। हम्फ्री एक अमीरजादा इंसान था, शायद इसीलिए विक्टोरिया ट्रिस्टन से ज़्यादा हम्फ्री को पसंद करती थी। एक दिन ट्रिस्टन की दुकान पर विक्टोरिया आती है और अपनी ज़रूरत के सामान लेकर जाती है और जाते वक्त ट्रिस्टन मिलने के लिए बोलता है, पर विक्टोरिया साफ इनकार कर देती है और बोलती है कि ये सामान लेकर अभी मेरे घर आ सकते हो। ये हरकतें देखकर दुकान के मालिक उसे दुकान से निकाल देता है। नौकरी जाने के बाद ट्रिस्टन अपने पिता को बता देता है और ये भी बताता है कि विक्टोरिया के साथ उसका मुलाकात कैसा गया। वो खुद को टोकने लगा और बोला वो विक्टोरिया के बॉयफ्रेंड हम्फ्री के जैसा नहीं है। तभी उसके पिता उसे समझाते हुए ये बोलते हैं कि बचपन में मुझे जिसको देखकर जलन होती थी वो आज कुछ खास नहीं कर पाए, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम आम लोग जैसा नहीं हो तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है। विक्टोरिया के मना करने के बावजूद वो उसे मिलने चला जाता है और विक्टोरिया को बोलता है कि सरप्राइज है, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। फिर वो दोनों मिलके एक सुनसान जगह पर बैठ के जाम पीते हैं। तब विक्टोरिया बताती है कि हम्फ्री उसके लिए रिंग लाने इप्सविच गया है। ये बात सुनकर ट्रिस्टन हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हें शादी करने के लिए मैं 7 समंदर पार कर सकता हूँ, कहीं से भी सोने के खदाने खोद कर ला सकता हूँ या फिर आर्कटिक जाकर पोलर बियर का शिकार करके उसका सर ला सकता हूँ। अगर ट्रिस्टन को पता होता कि सितारे कैसे पृथ्वी पर नज़र रखते हैं तो आज ये शर्मिंदगी पल के बारे में सोचकर उसका रूह अंदर तक कांप गई होती। पर उसकी किस्मत अच्छी है, उस वक्त आसमान के हर सितारे की नज़र वाल की दूसरी तरफ थी जहाँ स्ट्रॉमहोल्ड के राजा आखिरी सांस गिन रहा था, जो एक इत्तफाक की बात थी क्योंकि राजा कुछ ऐसा कर जाएगा जिसे ट्रिस्टन की किस्मत का फैसला होगा हमेशा हमेशा के लिए। स्ट्रॉमहोल्ड के राजा के 7 बेटा और 1 बेटी थी। उनमें से 3 बेटों का पहले से ही मौत हो गया था
और बेटी कब से लापता थी। तभी राजा ने उत्तराधिकारी के लिए अपने चार बेटों को बुलाते हैं। उनमें से चुनाव के दौरान एक बेटे का मौत हो जाता है। फिर राजा अपने गले से एक रूबी का हार निकालकर अपने तीन बेटों से कहते हैं कि कोई शाही खून वाला ही इसे ढूंढ पाएगा। अगर तुम में से कोई लाएगा तो वो होगा स्ट्रॉन्गहोल्ड का नया राजा। ये बात बोलकर राजा अपने दम तोड़ देते हैं। फिर वो चमकती हुई रूबी का हार एक सितारे के साथ टकराकर नीचे पृथ्वी में गिर जाता है। उसके बाद विक्टोरिया टूटता हुआ तारा देखकर खुश हो जाती है। तभी ट्रिस्टन ये बोलता है कि तुमसे शादी करने के लिए मैं वाल के उस पार जाकर तुम्हारे लिए टूटता हुआ तारा ले आऊँगा। विक्टोरिया ये सुनकर ट्रिस्टन को एक हफ्ते की मोहलत देती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए स्टार नहीं लाए तो मैं हम्फ्री के साथ शादी कर लूँगी। दूसरी तरफ काले जादू की तीन परियां टूटती हुई सितारे को देखकर खुश हो जाते हैं। वो अपनी आगे के भविष्य जानने के लिए एक जानवर को मार देते हैं और ये पता करते हैं कि वो स्टार उनसे 100 माइल दूर एक जंगल में गिरी हुई है। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए 400 सदियों पहले वो तीनों ने एक टूटे हुए सितारे को खा गए थे। उसके आखिरी अंश को बचा कर रखे थे ताकि अगली बारी जब स्टार गिरे तो तभी वो आखिरी अंश काम में आएगा। उनमें से एक बहन स्टार के आखिरी अंश खाकर सुंदर औरत में बदल जाती है और टूटे हुए सितारे के संधान में चली जाती है। ट्रिस्टन वाल के दूसरी तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा था पर वाल के गार्ड के वजह से जा नहीं पाता। उसे वहां पता चलता है कि उसके पिता भी वाल पार करके दूसरी तरफ गए थे। फिर वो घर चला जाता है। वहाँ वो अपने पिता को दूसरी तरफ जाने के बारे में पूछता है। तभी वो उसे उसकी माँ के बारे में बता देते हैं और भेजे हुए खत को दिखाते हैं। उस खत में उसके माँ ने ये लिखे होते हैं कि मेरे प्यारे ट्रिस्टन, ये जान लो कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहा है। अगर मेरी मालकिन ने इजाज़त दी होती तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखती। मेरे दिल की तमन्ना है कि हम किसी दिन मिलेंगे। सबसे तेज सफ़र करने के लिए वो एक जादुई बेबीलोन कैंडल देती हैं। उस कैंडल की रोशनी को इस्तेमाल करके अपनी माँ के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। फिर वो उस कैंडल को जलाकर गायब हो जाता है और गिरे हुए सितारे के साथ टकरा कर वहाँ वो गलती से उस स्टार को माँ बोल देता है। ये सुनकर स्टार भड़क जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी ट्रिस्टन के दिमाग पर ख्याल आता है कि वो कैंडल को जलाते वक्त अपनी माँ और उस गिरते हुए सितारे के बारे में सोच रहा था। फिर उसे पता चलता है कि जिस लड़की के साथ टकराया था वो और कोई नहीं एक स्टार ही है। उसके बाद ट्रिस्टन स्टार को माफी मांगकर एक चेन में पकड़ लेता है और उसके साथ विक्टोरिया के पास तोहफे के तौर पर जाने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर स्टार ट्रिस्टन के साथ जाने के लिए मना कर देती है। स्ट्रॉन्गहोल्ड के सिंहासन के लिए तीन भाई यानी कि सेप्टिमस, प्राइमस और टर्सियस मिलकर जाम पीते हैं। तभी जाम में मिले हुए जहर की वजह से टर्सियस की मौत हो जाती है पर वो दोनों भाई बच जाते हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी एक बकरी और चरवाहे को अपने जादू से उसके साथ ले जाती है और जाते जाते एक चुड़ैल के साथ मुलाकात होती है। वहाँ बताती है कि उसे गिरे हुए सितारे की तलाश है। जब वो मिल जाएगी उसकी चाकू से टूटा हुआ सितारे की दिल निकाल लेगी और फिर उसकी जवानी वापस उसे मिल जाएगी। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है, मन में लालच दिखाने लगती है। तभी काले जादू की परी अपनी असली रूप दिखाती है और उसे श्राप देती है कि ना वो उसे देख पाएगी, ना छू पाएगी, ना सूंघ पाएगी। अगर सितारा उसके सामने खड़ी हो तब भी उसे नहीं पहचान पाएगी। उस स्टार का नाम इवेन होता है। ट्रिस्टन इवेन को जंगल से गुजरते हुए वाल की तरफ धीरे धीरे चलता है। फिर इवेन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और ट्रिस्टन उसे बांधकर खाना ढूंढने चला जाता है। देखते देखते दोपहर से रात हो जाती है। इवेन ट्रिस्टन को ढूंढने लगती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी जंगल से कुछ पत्तों की आवाज़ें आती हैं और वहाँ से एक यूनिकॉर्न बाहर आके इवेन को जंजीर से निकालकर अपने साथ ले जाती है। वहाँ ट्रिस्टन इवेन को ढूंढता है मगर वो उसे नहीं मिलती। जादूगरनी जादू से अपनी बहनों को स्टार न मिलने की बात करती है। फिर उसकी बहनें बोलते हैं कि स्टार खुद उसके पास आ रही है, उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाना जरूरी है। और वो जादू से बकरी और चरवाहे को इंसान बनाकर एक घर भी बना लेती है। ट्रिस्टन को आसमान में सितारों ने इवेन की जान खतरे में है और वो एक जाल में फंसने वाली है कहकर एहसास करवाते हैं। उसे रास्ते में एक घोड़े गाड़ी पर जाने के लिए भी बोलते हैं।
उस घोड़ा गाड़ी स्ट्रॉन्गहोल्ड के प्रिंस प्राइमस की होता है और वो ट्रिस्टन को भी अपने साथ ले जाते हैं। बारिश की वजह से एवन जादूगरनी के घर में चली जाती है। उसे वहाँ नहाने के लिए गर्म पानी और सोने के लिए एक बिस्तर देते हैं। जादूगरनी एवन को मारने की कोशिश करती है पर मार नहीं पाती, क्योंकि तभी प्राइमस और ट्रिस्टन वहाँ पहुँच जाते हैं। घोड़े को स्टेबल में रखने के लिए ट्रिस्टन चला जाता है। स्टेबल में यूनिकॉर्न को देखकर उसे पता चलता है कि इवेन उस घर में मौजूद है। प्राइमस को वहाँ जादूगरनी मार डालती है। फिर यूनिकॉर्न उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा देती है। वो दोनों भागने की कोशिश करते हुए बेबिलोन कैंडल को जलाते हैं, अपने अपने घर के बारे में सोचते हैं और कहीं दूर आसमान में पहुंच जाते हैं। वहाँ यानी कि आसमान में एक जहाज आता है और उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। दरअसल वो जहाज बिजली इकट्ठा करके उसे बेचने की धंधा करते हैं। जहाज के कैप्टन अपने चमचों के सामने उन्हें धमकाते हुए ट्रिस्टन को पानी में फेंकने की एक्टिंग करते हैं, फिर अपने कैबिन में ले जाते हैं। पर वो बहुत अच्छा इंसान था। इवेन और ट्रिस्टन को उनके बारे में पूछता है, फिर अपने बारे में बताता है। ट्रिस्टन और इवेन की हुलिया बदल कर उन्हें बाहर ले जाते हैं। वहाँ इकट्ठे किए हुए बिजलियों को एक दुकान पर बेच देते हैं। ट्रिस्टन को जहाज के कैप्टन बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे कि तलवारबाजी, डांस, बिजली इकट्ठा करना और भी कुछ। सितारे को ढूंढते हुए जादूगरनी बिजली बेचे हुए दुकान पर पहुंच जाती है और पता लगाती है वो दोनों कहाँ हैं। जहाज के कैप्टन उन दोनों को ऑल द बेस्ट बोलकर वाल जाने के रास्ते में छोड़ देते हैं। जाते वक्त एक बिजली की डिब्बा सुरक्षा के लिए देते हैं। सेप्टिमस भी इवेन की तलाश में उस दुकानदार से पूछने चला जाता है, पर जादूगरनी के जादू की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। बस इतना पता चलता है कि हार पहनी हुई लड़की उस जहाज के कैप्टन के पास रुकी हुई है। फिर उसे सेप्टिमस मार डालता है। रूबी की हार हासिल करने के लिए सेप्टिमस जहाज के कैप्टन के पास जाता है। उस कैप्टन को लड़कियों के कॉस्ट्यूम पहनना बहुत अच्छा लगता है। तभी सेप्टिमस वहाँ पहुँच जाता है। ये सब देखकर वो हैरान होकर उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। फिर तलवारबाजी होती है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर कैप्टन उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। ट्रिस्टन और इवेन चलते वक्त उस चुड़ैल के साथ मुलाकात होती है। ट्रिस्टन जैकेट में माँ की दी हुई फूल को देखकर चुड़ैल उस फूल को ले जाने की बात करती है, पर ट्रिस्टन बेबिलोन कैंडल के बदले में उसे ले जाने के लिए बोलता है। चुड़ैल के पास बेबिलोन कैंडल नहीं होती है। ट्रिस्टन कैंडल के बदले में उस चुड़ैल को वाल तक लिफ्ट मांगता है और उसने कसम खाई ट्रिस्टन को सही सलामत वाल के पास छोड़ने की। फिर वो ट्रिस्टन से उस फूल को ले जाती है और उसे अपने जादू से चूहा बना देती है। ट्रिस्टन की माँ ये सब एक चिड़िया के रूप में देख रही होती है। जादूगरनी के श्राप की वजह से उस चुड़ैल को इवेन छू नहीं पाती और वो चुड़ैल भी उसे देख नहीं पाती है। फिर चुड़ैल ट्रिस्टन को एक पिंजरे में डाल देती है। घोड़े गाड़ी के अंदर इवेन ट्रिस्टन को उसके दिल की बात बताती है और उसे प्यार की इजहार भी करती है। वादे के मुताबिक चुड़ैल ट्रिस्टन को वाल के पास मार्केट में छोड़ देती है और उसे अपने इंसानी रूप में वापस बदल देती है। ट्रिस्टन और इवेन दोनों एक होटल में रात गुजारते हैं। दूसरे ही दिन ट्रिस्टन विक्टोरिया के लिए गिफ्ट के तौर पे इवेन के कुछ बाल काट के ले जाता है। जादूगरनी अपनी जादू से पता कर लेती है कि स्टार वाल के पास मार्केट में ठहरी हुई है। सुबह उठते ही इवेन ट्रिस्टन को ढूंढती है, मगर वो विक्टोरिया के पास जा चुका होता है। जाते वक्त इवेन को मैसेज भी देता है कि वो विक्टोरिया से मिलने गया है और वही उसका सच्चा प्यार है। ट्रिस्टन की माँ इवेन को मार्केट में जाते हुए देखते हैं और उसे बुलाने की कोशिश भी करते हैं, पर इवेन को सुनाई नहीं देता। उसके पीछे पीछे घोड़ा गाड़ी में चली जाती है। ट्रिस्टन विक्टोरिया को बर्थडे विश करता है, स्टार से मिलने की बात बोलता है। ये बात सुनकर विक्टोरिया विश्वास नहीं करती। इवेन के बाल को दिखाते हुए उसे प्रपोज करता है, पर वो वाल एक धूल से बदल चुका होता है। फिर उसे पता चलता है कि वाल के दूसरी ओर से स्टार इंसानी दुनिया में आएगी तो पत्थर बन जाएगी। ये सोचकर ट्रिस्टन दौड़ते हुए वाल की तरफ चल पड़ा। रूबी की हीरा और इवेन को पकड़ने के लिए जादूगरनी और सेप्टिमस अपने अपने रास्ते पे आ रहे थे। तभी अचानक ट्रिस्टन की माँ इवेन को वाल के दूसरी तरफ जाने से बचा लेती है और वहाँ जादूगरनी पहुँच भी जाती है। चुड़ैल को देखकर जादूगरनी उसे गुस्से से मार डालती है। तभी ट्रिस्टन की माँ चुड़ैल की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। फिर वो दोनों को जादूगरनी घोड़े गाड़ी में बिठाकर उसके महल में ले जाती है। ट्रिस्टन वहाँ पहुँचता है तो सब जा चुके होते हैं। चुड़ैल के घोड़े को लेकर ट्रिस्टन उनके पीछे चला जाता है। सेप्टिमस भी घोड़े के पैर का निशान देखकर उनके पीछे पीछे चलता है। ट्रिस्टन महल के अंदर झांकते वक्त सेप्टिमस वहाँ पहुँच जाता है। दोनों आपस में बात करके अंदर जाते हैं। वहाँ सेप्टिमस ट्रिस्टन की माँ को पहचान जाता है। दरअसल वो और कोई नहीं, सेप्टिमस की खोई हुई बहन उना थी।
तीनों जादूगरनी बहनों से एक बहन सेप्टिमस के ऊपर हमला करती है। तभी उना दौड़ के ट्रिस्टन के पास चले जाती है और वहाँ उसका माँ कहकर ट्रिस्टन को गले लगा लेती है। सेप्टिमस तलवार से तीनों में से एक जादूगरनी को मार डालता है। ये देखकर दूसरी जादूगरनी सेप्टिमस को मार डालती है। ट्रिस्टन हिम्मत दिखाकर इवेन को बचाने जादूगरनियों के सामने चला जाता है। कैद किए हुए जानवरों को पिंजरे से निकाल देता है। फिर दूसरी जादूगरनी का जानवरों के हमले से मौत हो जाती है। उसके बाद ट्रिस्टन के ऊपर काले जादू की परी जादू से मारने की कोशिश करती है, पर उना की दी हुई फूल की वजह से उसको कुछ भी नहीं होता। जहाज के कैप्टन का दी हुई बिजली से ट्रिस्टन जादूगरनी को घायल कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, पर ट्रिस्टन को जादूगरनी नहीं मारती। इवेन और ट्रिस्टन को वहां से बाहर चले जाने के लिए बोलती है, पर उन दोनों के ऊपर हमला करके बाहर जाने नहीं देती। तभी इवेन ट्रिस्टन को कस के पकड़कर बहुत जोर से चमकने लगती है। फिर जादूगरनी की वहां मौत हो जाती है। इवेन के गले से निकली हुई रूबी ट्रिस्टन के हाथ में आ जाती है और वो स्टॉर्महोल्ड की नई राजा कहलाता है। उन्होंने 80 साल तक स्टॉर्महोल्ड में राज करते हैं, पर कोई इंसान हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, सिवाय उसके जिसके पास दिल हो सितारे की। और इवेन ने तो अपना दिल पूरी तरह से ट्रिस्टन को दे चुकी थी। जब उनके बच्चे और पोते बड़े हो गए, तब वक्त था वेविलोन कैंडल जलाने का, और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा।